हेलो एवरीवन मैं हूं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपाली किचन तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ये जो फ्लैग बैच है उससे इंस्पायर्ड मैंने कप बनाए थे तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूं तो मेरे पास में ये बैच था ये मेरे बच्चे का था तो मुझे कप केक्स थे तो मैंने उसी से इंस्पायर्ड होकर ये कप का डिज़ाइन बनाया है एंड बहुत ही ईजी है इसे बनाना और बहुत ही अच्छे भी लग रहे थे दिखने में ऐसा लग रहा था छोटे चोट छोटे फ्लैग्स रखे हों तो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल अगर आपको केक बनाना तो आप भी इस तरीके से इसे बड़े केक में भी बना सकते हैं एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तो यहाँ पर मैं केवल चार कप केक ही बनाई थी इसलिए मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है यहाँ पर और आधा कप ही मैंने प्रीमिक्स लिया है अगर आपको छः कप केक्स बनाने हैं तो उसके लिए आप एक कप जो है प्रीमिक्स है वो यूज़ कर सकते हैं बस इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और उसे मिक्स करना है और यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का मैं बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें पाइन का इमल्शन इसमें डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी करके एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लेना जिसमें कोई लम्बा ना हो तो यहाँ पे दो दो चम्मच के करीब मुझे आ गया था और इसको हमें जो कपकेक्स हैं इनको हमें हाफ से भी कम ही भरना है क्योंकि अभी जब ये फूलेंगे तो ये पूरे ऊपर तक आ जाएंगे और इसको बेक करने से पहले थोड़ा सा डैप जरूर कर लीजिएगा ताकि इसमें अगर कोई लम्स हो तो ओ, कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए तो मैंने इसे डैप कर लिया था और यहाँ पे मेरे ये केक टिन है उसमें मैंने रख के इसको रख दिया था और ये जो मेरे कप केक्स ये मेरे सिलीकॉन के कप केक्स हैं तो उसकी जगह आप पेपर वाले भी यूज़ कर सकते हैं पर वो छः का सेट होता है और मुझे केवल चार ही बनाने थे इसलिए मैंने इसको इनको यूज़ किया है तो ये भी मेरे पास में छः हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आज चारी बनाए थे और यहाँ पे मैंने क्या किया जो नोजल होता है अपना उसका जो पीछे का जो हिस्सा होता है उससे मैंने उसमें एक होल कर दिया था और यहाँ पे होल करने के बाद में मैं इसमें जो पाइनएप्पल का जो इमल्शन है वो इसमें डाल दी तो ताकि जब हम कब के इसको मुँह में डालेंगे तो एक जो पाइनएपल का जो ना विस्फोट होगा मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा मुँह में जब पाइनएपल का क्रश आएगा तो यहाँ पे मैंने रोज़ वाला जो नोज़ल होता है जिसे हम रोज़ बनाते हैं वो वाला नोज़ल लिया है और ये सबसे छोटा वाला मेरा नोजल है सबसे छोटा वाला जो रोज़ का होता है उससे दूसरे नंबर का है ये सबसे छोटा वाला नहीं है सेकेंड नंबर का है तो वो वाला मैंने यहाँ पर लिया है नोजल और मैंने यहाँ पर कलर्स बना लिए थे ऑरेंज कलर और मेरे पास में ये एक ही नोज़ल था तो मैंने क्या किया पहले ऑरेंज कलर बनाया ऑरेंज कलर का डेकोरेशन किया उसके बाद में फिर उसको साफ़ किया फिर सेकंड वाइट कलर का मैंने डेकोरेशन किया फिर उसके बाद में ग्रीन कलर का किया तो थोड़ी सी मेहनत लगी अगर आपके पास में मेरे पास तो एक ही था अगर आपके पास में दो हो तो आप हर अलग से सारे कलर्स बना सकते हैं या फिर सिंपल क्या बोलते हैं दूसरे नोज़ल भी जो इसमें बड़े साइज का होता है पर वो शेप फिर इतना अच्छा नहीं दिखता मुझे बिल्कुल एक जैसे ही ये कलर चाहिए थे तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया है तो यहाँ पे मैंने अब वाइट कलर का जो है बना रही हूँ लाइन तो इस तरीके से ये देखिए अभी कितना एक फ्लावर जैसा भी लग रहा है और लग रहा है कि ये फ्लैग जैसा कलर्स इसमें हमने यूज़ किए हैं तो फ्लैग जैसा भी लग रहा है छोट छोटे छोटे फ्लैग्स लग रहे हैं और जो बच्चों की शर्ट पे ऊपर लगाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे वगैरह में तो जो बैच लगते हैं बस इसमें नीचे जो होते हैं तीन कलर के वो होते हैं मतलब ऑरेंज ग्रीन और वाइट कलर का जो नीचे ऐसे क्या बोलते हैं उसको पता नहीं ऐसे लटके हुए रहते हैं फ्लैग जैसे तो आ, रिबिन टाइप हाँ सॉरी रिबिन रिबिन जैसे वो रहते हैं तो वो भी मैंने लगाया है वो मैंने नहीं बनाया है और मेरे पास जो बैच था उसको भी मैंने उसमें अंदर की तरफ कर दिया था ताकि वो दिखे ना अब ये तो कप केक्स इनको शर्ट पे तो लगा नहीं सकते हैं इनको तो केवल खा सकते हैं तो इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है तो यहाँ पे मैं अपने सारे कप केक्स तैयार कर लेती हूँ फटाफट से और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे देखने में देखिए और डार्क कलर का जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो ब्लैक कलर का तो उस पर और भी ज़्यादा उभर के आ रहे हैं है ना तो अभी फिर बाद में मैंने ये जो थे आ, मैंने ऐसे टैग बना लिए थे आई लव माई इंडिया के ये मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं तो ऐसे मार्केट में अगर, अगर अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा पर मेरे पास में आस पास की दुकानों पर भी मुझे कहीं नहीं मिला तो ये मैंने ऐसे अपने हाथों से बना लिए हैं तो इनको मैं यहाँ पे सेंटर में लगा देती हूँ और ये देखिए हमारे सारे कपकेक्स बनके तैयार हो गए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा सिल्वर स्प्रे भी कर दिया था जिससे हमारे फ्लैक्स में थोड़ी सी और ये मेरा बैच है जिसको मैं यहाँ सेंटर में रख रही हूँ इसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये कपकेक्स बनाए थे आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई पसंद आई तो और ये डिज़ाइन भी पसंद आया प्लीज़ पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मैं थी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय